कृति, हिमन फैमिली प्लीज अपनी डिश लेके आए। निधि अपनी डिश लेके आएंगे प्लीज। केनी अपनी डिश लेके आना प्लीज। शुभजीत अपनी डिश लेके आए अपनी वाइफ के साथ। रुखसार अपनी डिश लेके आए। तो आज आपने बासमती राइस नो कॉम्प्रोमाइज दिवाली चैलेंज में कौन सी डिशेस बनाई हैं? चेफ, मैंने ये कैरेट लेयर्ड टोमेटो राइस बनाया है। फिर नई आइसक्रीम बनाई है, साथ में मैंने मूंग दाल का मूस बनाया है। शेफ, जो लेफ्ट साइड पे मैंने आज राइस बनाए हैं, ये हिमाचल की एक लॉस्ट रेसिपी है जिसे कि खट्टा खोबलू बोला जाता है। तो ये आपकी नो कॉम्प्रोमाइज डिश है आपकी हस्बैंड के लिए? यस शेफ। और साथ ही शेफ मैंने मीठा सिड्डू बनाया है। शेफ, आज मैंने बनाया है 5 फोरन पोस्तो चिकन, बासुंती पुलाव, टमाटर की चटनी। शेफ, ये है कशिर गाड़त नद। और शेफ, ये हमारी एक डिश है जिसको मैं शुफ्ता कनगच बोलना चाहूंगी। शेफ, आज मैंने बासमती राइस यूज करके, जो हमारा साउथ इंडिया में एवरी फेस्टिवल में माविन का चित्रण बनाया जाता है, एंड हमारा घर में दिवाली तो मुरकू एंड कज्जाय के बिना अधूरी है, तो इसलिए मुझे दोनों एलिमेंट्स भी बनाना था, तो इसलिए मुरकू को मैं चित्रन्ना के साथ पेयर किया, एंड मैं कज्जाय का फ्लेवर से इंस्पिरेशन लेके कज्जाय बनाना के साथ बहुत अच्छा जाता है, तो मैं एक बनाना सिनेमन आइसक्रीम बनाया। आप आगे आए, आप डिश टेस्ट कीजिए अपने बेटे की। बहुत अच्छा बना दिया, बहुत टेस्टफुल है। खुश है, बचपन की याद आ गई। ये तो बहुत ही पुरानी डिश है कर्नाटका की, और आप जैसा बड़ा आदमी का पास आके वो कर रहा ना, बहुत खुशी सा। थैंक यू। बिल्कुल। बहुत स्वाद। बहुत अच्छा है। तारीफ करने बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। वेरी नाइस ऑफ कोर्स, मैंने घर जाना है। घर में बनाते हैं आपके लिए खाना? हाँ, हमेशा। बड़ी लकी है तो। फ्रेंड्स वही बोलते हैं शेफ। वाओ, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। टेस्ट शेफ। बिल्कुल एक जैम ही बन गया टमाटर का, बहुत ही स्वाद। अगर आपकी राइस डिश की बात करें, मुझे बड़ी अच्छी लगी। थोड़ा सीजनिंग और होती तो ऐसा लगता था कि अकम्प्लिश्ड हाथ ने ये डिश बनाई है। आई फील कि जो आपका क्रम्बल था मुझे अच्छा लगा। आइसक्रीम इज गुड, बट आई विश उसमें थोड़ी सी सी सॉल्ट होती। प्रीति, आई हैव टू से दिस कि आप हमेशा जब भी कोई भी डिजर्ट बना के मेरे सामने रख देते हैं, यू इंस्पायर मी। थैंक यू सो मच। सिद्धू तो कमाल है, लाइक उससे ज्यादा कमाल है वो जो रोट की पंजीरी आपने नीचे बनाई। आज तो लग रहा है कि खाने में प्यार बहुत गया है।
ऑनेस्टली मैंने अपनी जिंदगी में मीठी गुच्छी नहीं खाई। आज आपने ये जो क्रिएट किया है इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। यही चीज मेरे मेन्यू में जा रही है, भरवा गुच्छी का डेजर्ट बोल। This is one of the best dishes I've tasted in MasterChef. One of the best. Thank you. Thank you. It means a lot. This deserves a spoon drop. Oh. Rice को बहुत अच्छे से treat किया आपने, बहुत अच्छे से पकाया है, rice का use बहुत अच्छा है, flavors बड़े अच्छे निकल के आ रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत simple और well balanced dish. Thank you, sir. मैं तो सोच रही हूँ कि मैं इसको dessert में कैसे use करूँ। और रे। Thank you. Thank you. देखिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है निधि और अरुणा की डिश। एक इमली की आइसक्रीम, इमली जो है वो हमको सबको पता है खट्टी मीठी बहुत अच्छे फ्लेवर में जाती है, उसमें वो जो स्पाइस नोट्स डाल रहे हैं इमली गोली वाला जो एक फ्लेवर है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स ब्रिलियंट। इमली के पत्ते का इस्तेमाल अगर वो अच्छे से कर पाएंगे तो दैट्स अ मास्टर स्ट्रोक। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई फील कि कोर इंग्रेडिएंट तो इमली यूज कर रहे हैं लेकिन कुछ सपोर्टिंग बैलेंस, कुछ दूसरा फ्लेवर नहीं आने वाला है। आई एग्री, मेरे हिसाब से इनकी जो आइसक्रीम होनी चाहिए थी इमली और खजूर की आइसक्रीम, समथिंग मुझे पसंद आया। असम और कश्मीर का ये मिलन हो रहा है यहाँ पे और मुझे पता है दोनों इतने सदे हुए कुक्स हैं कि इनके फ्लेवर्स कहीं नहीं जाने वाले, बस प्रेजेंटेशन पे थोड़ा ध्यान दें। मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज जो उसका कोर इंग्रेडिएंट है दे टर्न्ड इट अपसाइड डाउन एंड आई थिंक वो स्वीटनेस के लिए जो एप्रिकॉट डाल रहे हैं अंदर, आई एम एक्साइटेड टू ट्राई। वो तो रुखसार के सरप्राइज एलिमेंट्स बीच में जाने चाहिए। क्या बन रहा है? तो हम लोग आज एक अकुनी सॉस का एक पास्ता बना रहे हैं, उसके अंदर साउथ का फ्लेवर है करी लीफ का प्रॉन्स, उसके साथ एक हम लोग हनीकॉम बना रहे हैं इसके लिए क्रिस्प एलिमेंट के लिए। तो इसमें आपने बीटरूट और स्पिनच, बीटरूट और स्पिनच यूज किया है और इसको आप अभी रोल कर रहे हैं। लिफ्ट इट अप नयन ज्योति, उठा ये देखिए, फिनिश देखिए, लाइंस देखिए, बारीकी देखिए। ऑलराइट, जितना पास आप रह सकते हैं उतने पास रहिए, आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। दूसरा अकुनी की अगर बात करें तो फर्मेंटेशन के बाद अकुनी में फ्लेवर्स तो डेवलप होते ही हैं लेकिन अकुनी बहुत ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। सोयाबीन के जो प्रोटीन्स है वो अनलॉक होते हैं, बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स डेवलप होते हैं और मिनरल कॉन्टेंट फर्मेंटेशन के बाद बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। वर्णा जी, हाँ जी सर, कौन सा ठेचा बन रहा है आज? आज ऑरेंज, ऑरेंज का ठेचा। हाँ, यानी ऑरेंज का थोड़ा सिट्रस उसमें जाएगा। इसके साथ एक शुगर केन जूस जो चिल्ली का बनाते हैं बेंगलोर में, वैसा एक गुड़ के साथ चिल्ली शरबत बना रहे हैं। कितना कहेंगे, कितने परसेंट इनका है, कितने परसेंट आपका ये डिश? 80% मेरा है। ये पहला किचन होगा जहाँ पे 80% सूस शेफ का मेन्यू है और 20% एग्जेक्टिव शेफ का मेन्यू है। जिस तरह से मैं हैरी जी की स्पीड देख रही हूँ तो मुझे 80% तो काम मुझे ही करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली पीछे हट के तो नहीं चलेगा, तो मुझे शेफ को बताना पड़ा कि 80% तो काम मुझे ही करना है। ये क्या बना रहे हो? टाको बना रही हूँ, ओट्स का, ओट्स और थोड़ा मैंने सोया चंक्स लिया क्योंकि इतना सामान लाके भी मैं आटा भूल गई। ओह माय गॉड, तो इसमें आटा नहीं होगा? नहीं, आटा नहीं है, सोया चंक्स है और ओट्स है, पोहा है, थोड़ा बेसन है। सुवर्णा जी, मुझे लगता है आपको हाइड्रेट और करना पड़ेगा कि ओट्स जो है वो पानी खींचता है, बेसन भी पानी खींचता है, इसमें पानी खींचने वाली सारी चीजें, बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा ये। बहुत अच्छा एडवाइस लगा मुझे क्योंकि ये टैको में शेप जो है, ये शेप में अगर हाइड्रेशन नहीं है तो वो डेफिनेटली टूट जाएगा। जैसे इंडियन खाने में और मैक्सिकन खाने में बहुत सिमिलैरिटी रहती है तवे का इस्तेमाल और डोज में जैसे रोटियां बनती हैं, आपको फ्राई करने की जरूरत नहीं होती इनको, आप बेक कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो अ हेल्थियर वर्जन, पर ये बात ध्यान रखिए कि तापमान बहुत जरूरी होता है। थैंक यू शेफ।
फ्रेंड जो थी जो पास्ता बना रहे थे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. आई जस्ट फील वो बहुत डेलिकेट है और सब फ्लेवर्स बैलेंस करने में शेफ आपको क्या लगता है ये डिश में प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अकुनी ओवर पावर नहीं कर सकता. आप पास्ता के अंदर फिलिंग बहुत सटल दे रहे हैं और साथ में एकदम से अगर शार्प सॉस होगा तो सॉस ओवरटेक कर लेगा पूरी डिश को. तो वो बैलेंस कैसे ढूंढना है, अकुनी को उसको और खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, डोमिनेट नहीं कर सकता. आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा. बाकी प्रेजेंटेशन में दोनों बहुत अच्छे हैं, मास्टर्स ऑफ इनोवेशन. एब्सोल्युटली आई थिंक ब्यूटीफुल डिश, इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डिश. मुझे हैरी और सुवर्णा के टेबल पे लग रही है वो जो खिटपिट है वो बहुत ही विजिबल है, बिकॉज सुवर्णा सिंह 80% ये मेरी डिश है, 20% हैरी की डिश है. तो जब क्या होता है कि जब आपका सू शेफ आपसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है तो आपकी इनोवेशन को एकदम दबा देता है. डिश इंटरेस्टिंग है लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि टैकोज इट्स लाइक आर पराठा, यू नो आप कुछ भी भर सकते हैं उसके अंदर, थॉट रिफ्लेक्ट नहीं करता है उसके अंदर. सो मैं वही देख रहा हूँ कि हैरी अपनी थिंकिंग कहाँ इन्फ्यूज करेंगे. फ्लेवर्स की कमी नहीं है उस टेबल पे. होम कुक्स 30 मिनट्स कुकिंग टाइम इज अप. आपके पास बचे है 30 मिनट्स. There's a great vibe in the kitchen. I hope you are on track. Let's go. Surprisingly, अभी सिर्फ आधा घंटा बचा है, but I can say so proudly कि हम इतने sorted चल रहे हैं. हमारे सारे elements almost on track है. एक दो बन भी चुके हैं. So I think आज कोई tension नहीं है time को लेके. और मानदनीय की consistency अब काफी अच्छी आ गई है चटनी की और मुझे नहीं लगता वो stuffing बाहर आने वाली है. ये थोड़ा patience वाला काम है इसलिए मुझे बहुत सब्र से करना है, बहुत प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए इसमें. तो थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे इसको रोल करने में. क्या सिर्फ एपेटाइजर से पेट भर लेंगे, मेन कोर्स भी तो एंजॉय करना है. तो लॉग ऑन कीजिए सोनी लिव बार.